दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट न्यूज। दोस्तों आईपीएल 2021 के ऑक्शन को लेकर बीसीसीआई लगातार अपडेट्स देती जा रही है और अभी जो दोस्तों लेटेस्ट अपडेट्स निकल कर आ रही है उसके हिसाब से आईपीएल 2021 का ऑक्शन हमें जनवरी या फिर फरवरी के महीने में होता हुआ दिखाई देने वाला है। और ऐसे में दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीम आरसीबी के बारे में। और दोस्तों इस वीडियो में हम आपको आरसीबी में आने वाले सभी गेंदबाजों के बारे में बताने वाले हैं। और दोस्तों यहाँ काफी खतरनाक गेंदबाज टीम आरसीबी में हमें शामिल होते हुए दिखाई देने वाले हैं आईपीएल 2021 में। तो दोस्तों वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाली है आरसीबी के फैंस के लिए। तो दोस्तों अगर आप भी हैं आरसीबी के बड़े फैंस और वेट कर रहे हैं आईपीएल 2021 का तो कर दीजिए हमारे वीडियो को एक लाइक और आईपीएल जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे से क्रिकेट न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो दोस्तों बात करूं पहले बड़े गेंदबाज की तो दोस्तों ये निकल कर आ रहे हैं मिचेल स्टार्क। जी हां दोस्तों, आरसीबी ने डेसन की जगह मिचेल स्टार्क को टीम में लेने की ओर संकेत दे दिया है, क्योंकि दोस्तों डेल्सन की अब काफ़ी ज़्यादा उम्र भी हो गई है और उनकी गेंद में अब वो स्विंग भी देखने को नहीं मिलती है जो हमें पहले देखने को मिला करती थी। और दोस्तों मिचेल स्टार्क ऑस्ट्रेलिया के काफ़ी खतरनाक फास्ट बॉलरों में से एक हैं और दोस्तों उनके आने से आरसीबी की गेंदबाजी अब काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। तो चलो दोस्तों बात करूँ दूसरे बड़े गेंदबाज की तो दोस्तों ये निकल कर आ रहे हैं केन रिचर्डसन। तो दोस्तों इस बार आरसीबी एडम जंपा की जगह केन रिचर्डसन को टीम में लाने वाली है और इसकी उन्होंने लगभग कंफर्मेशन भी दे दी है। तो चलो दोस्तों बात करूं यहां तीसरे गेंदबाज की तो दोस्तों ये होने वाले हैं मोहम्मद सिराज। और दोस्तों जिस तरह की परफॉर्मेंस मोहम्मद सिराज ने इस साल कोलकाता के खिलाफ वाले मुकाबले में दी थी, बस वो ऐसी ही परफॉर्मेंस इस आईपीएल 2021 में दें तो यहां आरसीबी के आगे कोई भी टीम टिक नहीं पाएगी। बात करूं चौथे गेंदबाज की तो दोस्तों ये निकल कर आ रहे हैं जेम्स एडरसन। जी हां दोस्तों, आरसीबी इसरो उड़ाना की जगह जेम्स एडरसन को टीम में लाने का विचार कर रही है। तो दोस्तों इसके ऊपर आपके क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलो दोस्तों बात करूं पांचवे गेंदबाज की तो दोस्तों ये निकल कर आ रहे हैं वाशिंगटन सुंदर। और दोस्तों इस साल वाशिंगटन सुंदर का भी काफी बढ़िया शानदार प्रदर्शन हमें देखने को मिला है और बस वो ऐसे ही अपने आप को और इम्प्रूव करते रहे तो और भी काफी शानदार परफॉर्मेंस फ्यूचर में कर सकते हैं आरसीबी के लिए। बात करूं दोस्तों छठे गेंदबाज की तो दोस्तों ये निकल कर आ रहे हैं राइट आर्म लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल। और दोस्तों इस साल युजवेंद्र चहल ही आरसीबी के बेस्ट गेंदबाज रहे हैं। दोस्तों उन्होंने लगभग हर मुकाबले में आरसीबी के लिए विकेट्स ली हैं और दोस्तों आशा करते हैं कि अगले साल भी आरसीबी के लिए उनका इससे भी शानदार परफॉर्मेंस हमें देखने को मिले। वहीं दोस्तों बात करूं सातवें गेंदबाज की तो दोस्तों ये निकल कर आ रहे हैं पेसर नवदीप सैनी। तो दोस्तों आपके हिसाब से ये गेंदबाज आरसीबी के लिए सही रहेंगे कि नहीं, क्या आरसीबी को किसी और गेंदबाज को यहाँ टीम में शामिल करना चाहिए आईपीएल 2021 के लिए नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये थी आज की ओवरऑल वीडियो और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी तो दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप भी हैं आरसीबी और आईपीएल के बड़े फैंस तो हमारे चैनल क्रिकेट न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।